तो यार आ चुका मैं कुछ कमाल की स्टेटस वीडियो के साथ में। गाइस अगर आप इस तरीके से स्टेटस वीडियो बनाते हो ना तो यार गाइस आपका स्टेटस वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगने वाला है और अपने फोटो के साथ में। तो गाइस अगर आप इसको इंस्टाग्राम रील्स या फिर अदर प्लेटफॉर्म पर बना के अपलोड करते हो ना तो यार गाइस आपका वीडियो वायरल हो सकता है, क्योंकि ऐसे स्टेटस वीडियो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी चल रहे हैं। तो यार गाइस आप लोगों को ऐसा स्टेटस वीडियो बनाने के लिए ना काइन मास्टर एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो गाइस मैंने आपको काइन मास्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाने के बाद इसको डाउनलोड कर लेना। मैंने आपको कुछ वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो यार गाइस आप उनको भी जाकर डाउनलोड कर लेना। तो गाइस आप लोगों को करना क्या होगा, तो यार गाइस आप लोगों को एक काम करना होगा, आपको काइन मास्टर का लिंक और वीडियो का लिंक डाउनलोड करने के बाद काइन मास्टर ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद में ना आपको यहाँ से प्लस का ऑप्शन पर आ जाना है, फिर आपको यहाँ से गाइस फुल स्क्रीन वाला बीच में जो रेशियो उसको ऐड करना है, सेटिंग पे ऑप्शन पे जाना है, एडिटिंग पे जाना है, फुल स्क्रीन ऐड कर देना है। और इसके बाद फिर गाइस यार अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ जाना तो यार वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके भी ज़रूर से जाना। फिर गाइस आपको क्या करना है, मीडिया के ऑप्शन पे आ जाना है और गाइस आपको अपने फोटोज यहाँ पर ऐड कर देना है। गाइस आप यहाँ से कोई से भी फोटो ऐड कर सकते हो, आपके खुद के या फिर गाइस आप किसी के भी फोटो को ऐड कर सकते हो, अपने फ्रेंड वगैरह के भी, ठीक है। तो गाइस आप जरूर जैसे गाइस मैं एक इस फोटो को ऐड कर लेता हूँ, अब गाइस आपको यहाँ से चार पांच फोटो ले लेना, ठीक है। सेकंड फोटो गाइस मैं ये ले लेता हूँ, फिर गाइस अपन जैसे कि यहाँ से मैं दो चार फोटो और ऐड कर लेता हूँ। अब जैसे गाइस मैंने ये फोटो यहाँ से ऐड कर ली है, ठीक है, राइट क्लिक करना। इसके बाद में फिर गाइस आप लोगों को अगर कोई फोटो में कमी लगती है, जैसे कि कम बीच में नहीं, मतलब साइज इसका बैठ नहीं पा रहा, तो गाइस आपको इस वाले ऑप्शन पर आ जाना, सेकंड वाले पे, फिर आपको स्पेस इसको इक्वल कर लेना है। फिर गाइस आपको इसको थोड़ा सा यहाँ से टू फिंगर से लॉन्ग करना है, इस तरीके से गाइस यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में फिर गाइस वापस से आपको गाइस आप क्या करना, गाइस आपको यहाँ से इस फोटो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा करनी है, ठीक है। इसके बाद में गाइस आपको यहाँ से लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद में गाइस आप लोगों को डाउनलोड पे आ जाना है। डाउनलोड पे जाने के बाद गाइस आपको मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, ठीक है। आप इसको यहाँ से फुल ऐड कर देना, फुल ऐड करने के बाद में आपको यहाँ से इसको ब्लेंडिंग पे चले जाना है और आप यहाँ से इसको स्क्रीन ऐड कर देना, ठीक है। आप गाइस आपको स्क्रीन ऐड करने के बाद में फिर गाइस आपको यहाँ से क्या करना है, आपको गाइस इसके अंदर एक साउंड मिलता है, ठीक है। अगर आपको साउंड मिलेगा तो गाइस आपको इस हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना है। इस वीडियो में तो गाइस आपको सेकंड वीडियो में इसका साउंड मिल जाएगा, लेकिन यार गाइस मुझे जो साउंड है ना वो सुनाई नहीं देगा, क्योंकि मैंने माइक लगाया हुआ है तो मुझे साउंड इसका नहीं सुनाई देगा। तो गाइस आप लोगों को इसका साउंड सुनाई देगा, ठीक है। तो गाइस आप लोगों को इस वीडियो को भी यहाँ से ऐड करके फुल स्क्रीन ऐड करके बैक आना है, नीचे ब्लेंडिंग पे जाना है, सेम प्रोसेस ब्लेंडिंग पे स्क्रीन ऐड कर देना है। अब गाइस आपको इसको यहाँ से साउंड के हिसाब से इसको एडजस्ट कर देना है, ठीक है। चलो जैसे कि इस वीडियो पे आपको गाइस इस पे क्या करना है, यहाँ से गाइस इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। प्लस के ऑप्शन पे जाना है, फिर आपको यहाँ से गेट मोर पे आ जाना है। गेट मोर पे आने के बाद मैंने फिर गाइस आपको यहाँ से शेक इट के ऑप्शन पे जाना है, इसको डाउनलोड करके आप गाइस इसको डाउनलोड कर लेना। आप शेक इट पे जाने के बाद आप इसको डाउनलोड कर लेना। इसको डाउनलोड करने के बाद मैंने गाइस आपको यहाँ से कोई सा भी ऐड कर देना है, जैसे कि आप यहाँ से मैं यहाँ से इसको यहाँ से सेकंड वाला, थर्ड वाला या फोर्थ वाला कोई सा भी ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद गाइस आपको इसका ऑप्शन पे और आ जाना है, फिर गाइस आपको यहाँ से शेक इट पे जाना है, फिर आपको यहाँ से सेकंड वाला या फर्स्ट वाला यूज़ कर लेना है। इस तरीके से गाइस आपको सभी को यहाँ से यूज़ कर देना है, ठीक है। इस तरीके से गाइस यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा। अब गाइस आपको ये ध्यान रखना है कि जो गाइस साउंड के साथ में ये वर्क कर रहा है या नहीं, तो गाइस आपको यहाँ से इसको आगे पीछे करके साउंड के साथ में एडजस्ट कर देना है, ठीक है। गाइस इसके बाद आपको वापस से लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है, और गाइस आपको एक वीडियो और ऐड कर देना है, तो गाइस वो भी आपको डाउनलोड करना है, मतलब डिस्क्रिप्शन पर जाने के बाद मैंने आपको दे दिया, ठीक है। अब चलो गाइस जैसे कि मैं इस वीडियो को यहाँ से ऐड करके एक बैक आना है और नीचे आपको ब्लेंडिंग पे जाना है और आपको यहाँ से इसको भी स्क्रीन ऐड कर देना है। आपको इस तरीके से आपका स्टेटस वीडियो यहाँ तक बन जाएगा। फिर गाइस इसके बाद आपको वापस से लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है, और इसके बाद गाइस आपको यहाँ से वापस डाउनलोड पे जाकर बॉर्डर लाइन को भी ऐड कर देना है। इससे गाइस अपना जो वीडियो ना वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है। इसमें भी गाइस आपको सेम प्रोसेस है, वो ब्लेंडिंग में जाकर स्क्रीन ऐड करना है और बॉर्डर लाइन को गाइस पूरा हमें आपको ऐड कर देनी है। अब गाइस तो अब गाइस आप देख सकते हो इस तरीके से आपको स्टेटस वीडियो यहाँ तक बन जाएगा। गाइस अब आपके यहाँ तक तो क्या बिल्कुल कंप्लीट वीडियो यहाँ तक आपका बन जाएगा। इसके बाद फिर गाइस आपको क्या करना है, यहाँ से साउंड के साथ में ऐड करने के बाद में फिर गाइस आपको सबके लेंथ यहाँ से कट कर देनी है, ठीक है। सबको आपको यहाँ से बराबर ऐड कर देना है, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हो। गाइस आप गाइस आपको देख सकते हो इसके अंदर जो वीडियो के इसकी लेंथ थोड़ी सी कम है, तो गाइस आप डुप्लीकेट में जा सकते हो, कभी भी कितनी भी लेंथ कम हो सकती है, तो गाइस आप डुप्लीकेट करके इसको इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो, जिस तरीके से अभी आप देख सकते हो। तो गाइस चलो अपन चलो वीडियो को प्ले करके देखते हैं।
अब यार गाइस आपका स्टेटस वीडियो देख सकते हो गाइस, इस तरीके से आपका स्टेटस वीडियो बन जाएगा। फिर गाइस इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आपको गाइस यहां से एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन पे आ जाना है और अपनी वीडियो को यहां से एक्सपोर्ट कर देना है। तो यार गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो यार सब्सक्राइब करके भी ज़रूर से जाना। तो गाइस यही था आज की इस वीडियो में।